जैसा कि आप लोगों को रात को बताया था कि साजिद भाई और जाहिद भाई के पास जो है वो स्टे किया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने के बाद, नाश्ता करने के बाद यहाँ से अपने सफ़र का जो है वो आगाज़ करने लगे हैं। ये साजिद इकराम भाई हैं जी, मैंने कल भी आपको बताया था स्वाद से, इनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और ये बाकी भी यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे दोस्त बाप हैं, और पीछे जो है रिशान भाई भी आ रहे हैं, खालिसा भी हैं, और उनके साथ जाहिद भाई भी आ रहे हैं। इन सब की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जाहिद भाई खड़े हैं जी साथ, और कल पहले हमें जाहिद भाई मिले थे, उसके बाद साजिद भाई मिले। जाहिद भाई की मोहब्बत का भी बहुत शुक्रिया जी। उसके अलावा यहाँ पर हमारे सारे पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं, बस कोई किसी शहर से है। ये हमारा शकील साहब है, और शकील साहब हैं जी। शकील साहब की मोहब्बत का भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जितने भी ये सारे नज़र आ रहे हैं हमारे पाकिस्तानी भाई जी, इन सब की मोहब्बत का जो है वो बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी के साथ साथ हिंदुस्तानी भी साथ में हैं, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कामयाब होके अपने वतन को लौटिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया हुआ है, और आज का सफ़र हमने तमाम पिछले दिनों की निस्बत एक घंटा जल्दी शुरू किया है। यानी कि सऊदी अरेबिया के मुताबिक हमने 6:15 बजे जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया हुआ है। और मैंने आपको दिखाया भी कि हम लोगों ने साजिद भाई और जाहिद भाई के पास जो है कैंप में स्टे किया। उनकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। हमारा इरादा नहीं था, अभी कल हमारा मज़ीद एक घंटा सफ़र करने का इरादा था, लेकिन बस उन्होंने मोहब्बत इतनी दिखाई कि हमें जाना पड़ा। और अभी जो हरद है वो हमसे कुछ किलोमीटर रहता है, और चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह कल से रमज़ान भी शुरू हो रहा है सऊदी अरेबिया में, और कल यहाँ पे पहला रोज़ा है जुमे रात को, यानी कि कल 23 तारीख है, और पाकिस्तान को 24 को जुमे को पहला रोज़ा है। तो इसलिए अभी हमने हरद तक सफ़र करना है, और हरद पहुंचने के बाद वहाँ पे एक दोस्त हैं जी, उनके पास जाके रेस्ट करना है, स्टे करना है, और उसके बाद फिर हम मगरिब के बाद जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ कर देंगे। और अब रमज़ान में जो है वो इंशाल्लाह हम रात को सफ़र किया करेंगे, और दिन के वक्त जो है वो स्टे किया करेंगे। तो फिल वक्त तो अभी हरद तक जो है वो सफ़र करेंगे, और उसके बाद फिर वहाँ जाके रेस्ट करेंगे। अभी चूँकि सूरज मेरे बिल्कुल पीछे है, इसलिए ज़रा मैं साइड पे मोबाइल करके जो है वो कैमरा वीडियो बना रहा हूँ। रिशान भाई और खाली साहब पीछे हैं, ये देखिए, आप मैंने मोबाइल बिल्कुल स्ट्रेट किया है, तो मैं जो है वो आपको उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, इसलिए साइड पे करके, क्योंकि आज अभी फिल वक्त सूरज बिल्कुल पीछे है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके सूरज जो है वो सामने आ जाता है, तो सफ़र जो है हम अपना
अल्हम्दुलिल्लाह सफर जारी है, हल्की धूप निकली हुई है और धूप के साथ हवा भी चल रही है। आगे बोर्ड आ रहा है और आगे से रोड जो है दाएं साइड पे अलग हो रहा है, वो बोर्ड के करीब जाकर पहुंच के आप लोगों को बताता हूं कि वो रोड किन किन शहरों की तरफ जो है वो अलग हो रहा है। और हरत तो यहाँ से सीधा है, यानी कि हमारा जो रूट है वो यहाँ से बिल्कुल सीधा है, हमने बिल्कुल जो है वो सीधा रहना है। और साइड पर जो है वो दोनों तरफ वीराना है, और ये हरद का जो है दोनों तरफ इस वक्त इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो काफ़ी देर से शुरू है, कल से ऑयल और गैस के हवाले से ये इनका मेन इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ का हरद का, और उसके अलावा तमाम में भी है। ओके ओके जी, आगे दाएं साइड पे जो है अलखिन को जो रोड है वो जा रहा है, उसके अलावा जी अतला जा रहा है जी, और अलखर खैर जा रहा है जी, अल अदीलिया और अल आसा जा रहा है, दमाम को जा रहा है। ठीक है जी, ये रोड आगे से जो है जाके लहदा होगा और हम सीधा जो है जाएंगे किसकी तरफ, हरद की तरफ जी। तो हम हरद पहुंच गए थे, और हरद पहुंचने के बाद अभी हम यहाँ पर ही हैं, और मगरिब के बाद यहाँ से हमने आगे सफ़र शुरू करना है। या मेरे साथ देख रहे हैं जी मोहम्मद अदील भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई, चकवाल से इनका ताल्लुक है, और ये मेरे से रबते में थे कि जब आप हरद पहुँचें तो लाजमी बताइएगा, और स्पेशल जो है वो मिलने आए हैं, और इन्होंने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया है जी। इनके लिए बहुत सारी मेरी नेक दुआएँ हैं, नेक तमन्नाएँ हैं, अल्लाह पाक इनकी माल में, जान में, ईमान में बरकत अता करें और हमेशा खुश रहें, अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की दें जी। अदील भाई आपके वक्त का, मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखें जी इंशाल्लाह, और आसानियाँ पैदा करें आपके लिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सफर आसान, आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग हरद से अपना सफ़र जो है वो शुरू करने लगे हैं, और तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक हो। और अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान में भी पता चला है जी कि सुबह जो है वो रोज़ा है, और सऊदी अरेबिया में और पाकिस्तान में जो है वो सुबह इंशाल्लाह पहला रोज़ा रखेंगे। और आपको बताया था चूँकि सुबह रमज़ान शुरू हो रहा है इस वक्त, अब हम जो है वो रात का सफ़र किया करेंगे, और सुबह रोज़ा रख कर जो है वो कहीं खेमा लगा कर आराम किया करेंगे। अच्छा जी, अब ये खड़े हैं जी मलक परवेज़ भाई, बहुत ही प्यारे भाई हैं, और हुजरा शाह मुकीम से इनका ताल्लुक है, उकाड़ा के बिल्कुल करीब रहते हैं, काफ़ी देर से मेरे साथ जो है वो रास्ते में थे, और इनकी मोहब्बत का, प्यार का, तामन का बहुत शुक्रिया। आज जो हमने स्टे किया है वो इनके फ्लैट में किया है, तो इनके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं जी। उसके अलावा इधर भाई नाम जुनेद खान भाई हैं जी, आप शावर में होते हैं, उसके साथ साजिद भाई हैं, मियाँ चन्नू से इनका ताल्लुक है, और साजिद भाई सुबह भी मिलने आए थे, और ये भी फेसबुक पे फॉलो करते हैं, और इन्होंने सुबह कहा था जी कि रात को जो है वो खाना इकट्ठे खाएंगे। साजिद भाई फिर दोबारा टाइम निकाल के आए हैं, इनकी मोहब्बत का भी बहुत शुक्रिया। और साथ खालिद साहब और निशान भाई खड़े हैं, तो मलिक परवेज़ भाई और साजिद भाई आप लोगों की मोहब्बत का, मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, अल्लाह पाक आपकी माल में, जान में, ईमान में जो है वो बरकत नसीब करें, आपको मज़ीद तरक्कियां नसीब हों, और आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें, अब हम फिर यहाँ से अपना सफ़र जो है वो शुरू करेंगे जी। मैं उस्मान भाई को और निशान साहब को और खालिद साहब को जो फैसलाबाद से हैं, और उस्मान भाई बड़ा से जो हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इन सब दोस्तों को, भाइयों को, कि उन्होंने बड़ी हिम्मत करके डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से होते हुए ईरान, इराक, उसके बाद दुबई, दुबई से आगे सऊदिया में इंटर हुए, और आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इनका हज जो है वो कबूल फरमाए, आमीन। साजिद भाई कुछ कहेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, खुश रहें, सलामत रहें। जारी है, और ये हमारे अब्बास भाई हैं, मनसेरा से इनका ताल्लुक है, काफ़ी दिनों से मेरे से रास्ते में थे, और अभी स्पेशल रास्ते में जो है वो मिलने आए हैं, और आकर अपनी मोहब्बत का बड़ा इजहार किया है, काफ़ी कुछ लेकर आए हमारे लिए, लेकिन चूंकि हमारे
लिए मुश्किल होता है इतना सामान कैरी करना। तो बहरहाल हमने इनकी मोहब्बत का टुकराया भी नहीं है, उसमें से जो हम रख सकते थे जूस वो हमने रख लिया है। पास भी आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सफर आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया आपका भी, बस मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए, जितने भी परदेसी हैं उन सब के लिए दुआओं की दरखास्त है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रात के वक्त हमारा सफर जो है वो जारी है, और ये इस वक्त मेरे मोबाइल की जो लाइट है वो जल रही है। तो वैसे तो सऊदी अरेबिया में रोड्स पर लाइट्स नहीं हैं, यूएई में लाइट्स का बहुत बड़ा फ़ायदा था हमें। रात गए तक हम, जब तक हमारा दिल करता था हम आसानी के साथ सफ़र कर लेते थे, लेकिन चलें कोई बात नहीं जी। और अब इस ट्रॉली के आगे जो है वो हमने, अभी चूँकि मैं ट्रॉली चला रहा हूँ तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, एक लाइट हमने लगाई है इस ट्रॉली के आगे, ठीक है जी। तो वो यानी कि हमें काफ़ी है, आगे से रोशनी उसकी काफ़ी है, हमें नज़र आ रही है। उसके अलावा यानी कि जैसे अभी ट्रॉली चला रहा हूँ मैं, तो एक लाइट जो है वो मैंने अपने माथे पे जो है वो पहनी हुई है, और ये लाइट का मुंह जो है वो पीछे की तरफ है, ताकि पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है उसको पता चले कि कोई बंदे बशर जो हैं वो जा रहे हैं। बहरहाल जी सफ़र जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जारी है, और रात के इस पहर भी पाकिस्तानी भाइयों का मिलना जुलना जारी है। और आज सुबह से फेसबुक पर फॉलो करने वाले जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मिल रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं जी, फरमानुल्लाह भाई चार सदा से इनका ताल्लुक है, और ये अभी दुबई से आ रहे हैं, और अभी तो वो इनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन ये वहाँ से जो है वो कंटिन्यूसली मुझे देखते हुए आ रहे हैं कि रास्ते में जो है वो कहीं मिल जाएंगे। बहरहाल जी इनके साथ दूसरे हमारे भाई भी हैं, मुझे उनका नाम तो नहीं पता सारों का, आपका आदिल, आदिल गुजरा वाला कासिम, और आप फ्याज। तो बहरहाल जी इन तमाम भाइयों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और खालिद साहब और शान भाई भी साथ साथ हैं जी, ये जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हमें मिलते हैं, हम इनकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। फरमानुल्लाह भाई आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक आपके माल में, जान में, ईमान में बरकत। और यहाँ से आगे तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के बाद सास्को का पेट्रोल पंप आ रहा है, वहाँ जाकर हमने रुकना है और वहीं पे हमने सैरी करनी है। लेकिन इस वक्त टाइम क्या हो रहा है जी, 2:31, लेकिन ये टाइम जो मैंने आपको दिखाया है ये हो रहा है पाकिस्तान में। इस घड़ी पे मैंने जो टाइम रखा हुआ है वो पाकिस्तान का है, और जो मोबाइल्स पर मेरे टाइम हैं वो है सऊदी अरेबिया का, यानी कि सऊदी अरेबिया में इस वक्त 12:32 जो है वो 32 मिनट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी थोड़ी देर में हम पेट्रोल पंप पर पहुंच जाएंगे, अभी इधर सैरी होने में वक्त है, लेकिन हम पेट्रोल पंप पर ही जाके सैरी करेंगे, क्योंकि आगे जो है फिर वो पेट्रोल पंप के बाद कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते रहते। पे सास्को का पेट्रोल पंप आ चुका है, और आगे जाकर देखते हैं इस पेट्रोल पंप पर जो है वो क्या क्या यानी कि मस्जिद, होटल
या क्या क्या मौजूद है जी। तो पेट्रोल पंप पर हम आ चुके हुए हैं और वक्त जो है इस वक्त इधर सऊदी अरेबिया में 1:40 और पाकिस्तान में 3:40 हो रहे हैं। अच्छा, इस पेट्रोल पंप पर एक तो ये फास्ट फूड के हवाले से है, बर्गर किंग, उसके अलावा ये एक रेस्टोरेंट है, उसके साथ आगे बकाला है यानी कि मार्केट है, और उसके आगे एक मोबाइल शॉप भी है। मोबाइल के हवाले से अगर आपने कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं। सामने बिल्कुल जो है वो मस्जिद है और साथ वाशरूम हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमने जो है वो अपना टेंट लगा लिया है क्योंकि आपको बताया है कि अब हम रात में सफ़र और दिन में आराम किया करेंगे, तो डेफिनेटली मस्जिद के अंदर चूँकि लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए हम पर यही करते हैं कि हम अपना टेंट लगा लें सुकून के साथ और उसमें जो है वो रेस्ट करें। और अभी पाकिस्तान में तो इस वक्त सैरी बिल्कुल लोग कर रहे होंगे और थोड़ी देर में जो है उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी इधर जो है वो टाइम पड़ा है, तो हम जो सैरी है वो हम कुछ देर के बाद करेंगे। और जो टेंट हमने लगाया है वो हमने इसके पीछे आके लगा लिया है जी, वो देखें सामने टेंट है और टेंट के साथ जो है वो हमारी ट्रॉली है। तो अभी कुछ देर तक हम जो है सैरी करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जी नमाज पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जिसके बाद जो है कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे, और उसके बाद जो है फिर वो आराम करेंगे और इंशाल्लाह कल शाम को 4-5 जो है वो यहाँ से फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे और फिर रास्ते में ही कहीं जो है वो अफ्तारी करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी, अल्लाह निगेबान।